लेकिन जो ही वहाँ धूना लगा करके भोले बाबा ने रोना शुरू किया तो मेरा ठाकुर तो सिद्ध करता ना भाई, यही यथा माम प्रपद्यंते तांस तथा ही भजा में हम, जो मेरे को जिस तरह से भजता है मैं भी उस तरह को उसको उसी तरह से भजता हूँ। इधर भोले बाबा ने रोना शुरू किया और उधर मेरे कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया और माँ का बेटा रो पड़े महाराज, घर को सिर पे उठा ले। इसलिए माँ कंधे पर लगा के ऊँ ऊँ कर दी जा रही, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है कभी बाहर जाती है कभी अंदर। अरे कन्हैया बेटा चुप जा रही, तुझे क्या हो गया, सारा दिन हो गया रोते रोते, मुंह खुला सो खुला। अब झाड़े वाले के पास ले जा रही है, डॉक्टर के पास ले जा रही है, बड़े बूढ़ों के पास ले जा रही है, लेकिन कोई आराम नहीं। नंद बाबा आ गए, कहने लगे मेहर क्या हो गया इसको कि पता नहीं क्या हो गया, रो ही जा रहा है। सारी रात लेकर के घूमते रहे दोनों, चुप्पी नहीं साधी कन्हैया ने। सुबह सुबह सांडिल्य ऋषि आ गए, महाराज राम राम नमस्ते गई दूर, पहले ही दोनों आगे खड़े, बाबा एक बार हमारे बेटे को देख दो, पता नहीं क्या हो गया रो ही जा रहा है। सांडिल्य ऋषि ने भी अपना जंत्र मंत्र जो था फूंका उसके ऊपर, लेकिन कन्हैया के ऊपर कोई असर नहीं, हाँ रो ही जा रहा है। सांडिल्य ऋषि ने देखा, रे जिसके ऊपर भी मैंने जंत्र मंत्र किया है एकदम ठीक हो गया, आखिर चक्कर क्या है ये। आँख बंद करके जो ही देखा, ओ हो ये तो भभूति रमाए बाबा, ओ भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, ओ भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, ओ भोलेनाथ आए बाबा भभूति रमाए, भोलेनाथ आए बाबा भभूति रमाए, ओ भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, ओ भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। ओहो यहाँ तो बाबा आया हुआ है, कहा रही अम्मा यहाँ कोई आया था कि? हाँ आया था, कौन? सुबह सुबह एक जुटा जूट वाला बाबा, बड़े बड़े सरप थे उसके और ऊपर से नीचे तक ने बिच्छू कातर न जाने क्या क्या लिपटा हुआ था। कहता अम्मा मैया मेरी, फिर तो दुनिया में कोई ठीक नहीं कर सकता इसको, तो इसकी दवाई वही है बस, उसको बुला दे रही। माने का उसको बुला दूं? हाँ कैसे बुला दूं? कि कैसे ही बुला, और माँ ने कहा था देखो तेरी हट क्या है, लेकिन माँ हार गई। क्यों? इंसान कहीं भी नहीं हारता मेरे भाई, इंसान यदि हारता है तो अपने बेटे बेटी के सामने हारता है, कहीं नहीं हारता। ध्यान रखना दुनिया वालों, जब भी माँ बाप हारता है तो अपने बेटा बेटी के सामने बस, नहीं तो दुनिया में भगवान भी उसको हरा नहीं सकता। देखिए माँ हार गई और माँ ने सखियों को बुलाया और कहा सखियों वो बाबा जहाँ भी बैठा है उसको हाथ जोड़ के ले आओ एक बार। चली सखियाँ और जा करके भोले बाबा को देखा, वो तो तुम करुणा सागर तुम पालन करता, तुम पालन करता अपने हाथ उठाओ, दया करो चरण लगाओ, द्वार खड़ा मैं तेरे, ओम जय जगदीश हरे। जाना भोले बाबा तो गा रहे हैं, क्या अह मेरे भाई, भोले बाबा आए वहां और आए तो देखा तो महाराज जो ही दरवाजे पर कदम रखा
तो भोले बाबा तो नाच उठे और कहने लगे, रे ओ कन्हैया मेरा मन वैरागी हो गया वृंदावन की गलियों, मेरा मन वैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा मन वैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में, ओ वृंदावन की गलियों में बरसाने की गलियों में, वृंदावन की गलियों में बरसाने की गलियों, मेरा मन वैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा मन वैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। हरि बोल, जय हो। मस्त बहारें यहाँ रिम झिम पड़े फुहारे, सावन की मस्त बहारें यहाँ रिम झिम पड़े फुहारे, सावन की मस्त बहारें यहाँ रिम झिम पड़े फुहारे, सावन की मस्त बहारें यहाँ रिम झिम पड़े फुहारे, प्यारी सी धुन पर खो गया गलियों में बरसाने की गलियों में, वृंदावन की गलियों में बरसाने की गलियों, मेरा वैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा मन वैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। हरि बोल। डार रे सावरिया रंग मत डार रे सावरिया, अरा रा 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 रा। हारा मुझे मिला निश्याम प्यारा, मैं ढूंढत ढूंढत हारा मुझे मिला निश्याम प्यारा, मैं ढूंढत ढूंढत हारा मुझे मिला निश्याम प्यारा, मैं ढूंढत ढूंढत हारा मुझे मिला निश्याम प्यारा, मुझे ऐसा धोखा दे गया वृंदावन की, वृंदावन की गलियों में बरसाने की गलियों में, वृंदावन की गलियों में बरसाने की गलियों, मेरा मन वैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा मन वैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में, जब राधा ध्यान लगाया तब श्याम प्यारा पाया, 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 राधा संग दर्शन दे गया वृंदावन की गलियों में, राधा संग दर्शन दे गया वृंदावन की गलियों में, ओ वृंदावन की गलियों में बरसाने की गलियों में, वृंदावन की
की गलियों में बरसाने की गलियों मेरा मन वैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में मेरा मन वैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। अब वृंदावन में आया मेरा भी मन ललचाया जब वृंदावन में आया मेरा भी मन ललचाया जब वृंदावन में आया मेरा भी मन ललचाया जब वृंदावन में आया मेरा भी मन ललचाया मेरा चित्त चुरा के ले गया वृंदावन की वृंदावन की गलियों में बरसाने की गलियों में मेरा मन वैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में मेरा मन वैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में मेरा मन वैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में मेरा मन वैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में मेरा मन वैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में मेरा मन वैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में मेरा मन वैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में मेरा मन वैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। जब वृंदावन में आया मेरा भी मन ललचाया जब वृंदावन में आया मेरा भी मन ललचाया मेरा चित्त चुरा के ले गया वृंदावन की गलियों मेरा चित्त चुरा के हो वृंदावन की बरसाने ओह वृंदा मेरा मन वैरा भोले बाबा नाचता गाजता हुआ दर्शन करके वापस लौट गए। उसके बाद नामकरण संस्कार हुआ मेरे ठाकुर का, क्योंकि श्री वसुदेव जी ने नंद बाबा जब कर देने के लिए गए और जेल में मिलने गए तो ये कहा नहीं श्री गर्गाचार्य जी महाराज को, जब जेल में मिलने गए गर्गाचार्य जी महाराज, कि मेरे यहाँ बेटा एक नहीं वहाँ दो दो हैं, अभी तक नामकरण नहीं हुआ है गर्गाचार्य जी, इसे जाकर उनका नाम रखिए। श्री गर्गाचार्य जी महाराज वहाँ गए हैं और दोनों का नाम रखा है। यशोदा की गोद में रोहिणी का बेटा है और रोहिणी की गोद में यशोदा का बेटा है, इसलिए यशोदा की तरफ इशारा किया, क्या कि माँ ये तुम्हारा बेटा नहीं है, तो कि अयम ही रोहिणी पुत्र हो रमयन सुरिदो गुणई आख्यास्ते रामैति बलाधिक्या बलम विदुः अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः। माँ अयम हि रोहिणी पुत्रो, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये रोहिणी का बेटा है, इसलिए माँ ने तो अपनी सारी अंगूठियाँ निकाली और बाबा के चरणों में रख दी। बाबा तू तो सच्चा ज्योतिषी है, क्यों? क्योंकि आपको कैसे पता चल गया कि मेरा बेटा नहीं है? अरे मैया ये तो सब भगवत कृपा है, इसलिए ये सबको अच्छी तरह रमण कराएगा, इसलिए एक इसका नाम होगा राम, दूसरा बल में सबसे अधिक होगा, इसलिए दूसरा नाम होगा इसका बल,
पूरा नाम लेकर के पुकारेंगे लोग। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। और माँ ने कहा ये जो दूसरा रहा, तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने देखा उस ओर, जो अंदर आत्म सुख की अनुभूति करते हैं महापुरुष, वही निराकार ब्रह्म आज साकार रूप लेकर के सामने बैठा है। इसलिए एक बार तो गर्गाचार्य की समाधि लगी महाराज, इतने सुंदर स्वरूप को देखकर, उस साकार रूप को देखकर। बहुत देर तक जब समाधि लगी रही तो यशोदा मैया ने कहा, सुनो मेहर, इस बाबा को देखो ना, क्या हो गया इसको, इसको श्वास भी आता जाता है कि नहीं जाता है। इसलिए श्री नंद बाबा उठे और जाकर के कंधे पकड़ के, यार बाबा कहाँ चले गए हो? कभैया कहाँ चला गया, मैं आया था इसका नाम रखने के लिए, लेकिन इसको देख करके मैं तो अपना नाम भी भूल गया हूं आज। इसलिए ये जो तुम्हारे घर में ना, इसका नाम बताऊं? करे हाँ, ये साक्षात, यूं इशारा किया और मेरे कन्हे नीचे से उंगली हिला दी, बाबा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने यदि ये कहा कि ये भगवान है, तो भगवान की जैसे लोग पूजा करते अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ, अलमारी में बैठा देते महाराज। हाँ, और जब सैर सपाटे पर जाना तो भाड़ में गया भगवान, अलमारी को बंद करके ताला लगा कर मैं चल रहा हूँ। ऐसी पूजा करते हो तुम लोग, इसे अच्छा ना ही रोकते उसको अंदर, है ना? कहा बाबा मैं अलमारी में बैठने नहीं आया हूँ, हाँ इनका चना चबेना खाने नहीं आया हूँ, तो मैं तो इनकी हाथ की मक्खन और मिश्री खाने आया हूँ, इनके साथ ममता का सुख पाने आया हूँ, इसलिए मत पड़ पड़। एक बार तो चुप हुए गर्गाचार्य जी, लेकिन फिर दोबारा कहने लगे, ये है ना? कहा बाबा अभी तो हाथ जोड़ा था, न था, यूं का यूं हाथ रह जाएगा, इसलिए सावधान, पोलपट्टी मत खोल। अर्थात अब की बार मेरे ठाकुर ने धमकी दे दी, ऐसा मत करियो। तो गर्गाचार्य ने कहा था, मैया मैं भी नहीं जानता इसके नाम को तो। क्यों? क्योंकि हर युग में कोई नया रूप लेके आता है ये, इसलिए बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुत शतहे गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। मैया बहुनि संति नामानि, बहुत नाम होंगे, जैसे जैसे कर्म करता चला जाएगा वैसे वैसे नाम पढ़ते चले जाएंगे, कह लेंगे बाबा अब क्या कहें इसको। कहा माँ अब ये रूप लेके आया काला, क्योंकि कभी ये श्वेत वर्ण का होके आता है, कभी रक्त वर्ण का होके आता है, कभी पीत वर्ण का होके आता है, अब की बार बन के आया काला, इसलिए मैया आप इसको कृष्ण कह लेना। माँ ने कहा, क्योंकि गांव की रहने वाली थी, कि बाबा मेरे से तो ना कहा जाए, मेरे तो जिह्वा घूम जाती है कृष्ण कहने। इसलिए मुझसे नहीं कहा जाए, लेकिन बाबाओं के पास युक्तियां होती है मेरे भाई, है ना? और बाबाओं की युक्ति को यदि समझ लो तो दूसरे बाबा भी साथ में आकर के बैठ जाते हैं। हमारे धर्मदेव जी महाराज पटौदी से चल के हमारे बीच में आए, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए, क्योंकि कभी कभार हम भी संशय में पड़ जाते थे। महाराज जी के आश्रम पे फिल्म की शूटिंग चल रही थी, फोन आने मेरे पास शुरू हो गए। मैंने कहा भाई हमारे आश्रम पे तो कोई नहीं है। कभी आस्था वालों के फोन आए, कभी स्टार न्यूज वालों के फोन आए, मैं डर गया, मुझे पता नहीं कौन सी गड़बड़ हो गई भैया। तो महाराज जी से एक बार सुखताल में मुलाकात हुई थी, अब की बार अवध में हुई, और वो मुलाकात आज त्रिनगर तक ले आई मेरे भाई। इसे स्वागत है महाराज जी का। ठीक इसी तरह गर्गाचार्य जी की स्वरूप रेखा है,
का इनके नाम अनेक, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, मैनृप कहत सुमति अनुरूपा, मैनृप कहत सुमति अनुरूपा, इनके नाम अनेक अनुपा, हो मैनृप कहत समझ अनुरूपा, सिया राम जय जय राम, जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कह दिया माँ अपनी बुद्धि के अनुसार कह रहा हूँ इसका नाम होगा कृष्ण, लेकिन माँ ने कहा मेरे से नहीं कहा जाएगा, तो बाबा ने युक्ति, मामा मैया तुम कान्हा कह लेना, इसको कन्हुआ कह लेना, इसलिए माँ ने कृष्ण नहीं कहा कभी, यशोदा ने कृष्ण, माँ का तो कान्हा ही रहा, और नाम रख करके गर्गाचार्य जी चले गए। उसके बाद पहली लीला का आरंभ करते हैं मेरे ठाकुर। नंद बाबा के दरवाजे पर बड़े बड़े सिंह वाले बैल बैठे थे, अब कन्हैया ने चलना शुरू कर दिया था, और जो ही चलना शुरू किया इधर दोनों भाइयों ने इशारा किया आपस में, चलो केवल अभी तक माँ माँ को आनंद नहीं देना है, सखियों को भी देना है, और चले मेरे भाई पहली शुरुआत। बैठा था बैल, एक ने आकर इधर से सींग को पकड़ा, एक ने इधर से पकड़ा, एक बार वो खींच ले तो वो ऊपर उठ जाए, एक बार वो खींचे तो वो ऊपर उठ जाए। अब बैल ने थोड़ी देर तो सहन किया, बैल खड़ा हो गया। अब दोनों लटक रहे हैं जैसे बेल के ऊपर तरोई लटकती है ना, ऐसे लटक रहे हैं, और दोनों ने हल्ला मचा, मैया बचाइयो, मैया बचाइयो, मैया बचाइयो। और रोहिणी और यशोदा रसोई में काम करी, महाराज जी बाहर आई भाग करके, हाय राम, एक बार तो हंसी ठहाका मार के, धारी की सिंगों पे कैसे चले गए, लेकिन कभी नीचे ना गिर जाए, भागी दोनों। और जो ही भाग कराती महाराज, वो छोटे छोटे हाथ कब तक पकड़ के रखते, हाथ छूट गए और नीचे था गोबर का ढेर, धम दे गोबर में आकर के। अब माँ कहाँ गोबर देखती है रे, अपने बच्चों को उठाया, अपनी साड़ी से ही पहुँचना शुरू किया, और माँ तो डांट रही है यशोदा, दारी के तेरे को कितना भी नहलाऊँ कितना भी धुलाऊँ तो गोबर में ही आके खेलता बेटा, मेरे को लगता तू पिछले जन्म में सुअर था। कन्हैया मुस्कुराए, वारी मेरी माँ, मेरी माँ हो करके तुम अज्ञानी कैसे रह सकती हो, तेरे जैसा अज्ञान तो मेरे पूर्व जन्म के बारे में भी जानते। बड़ी मीठी मीठाई लीलाएँ करनी शुरू की मेरे ठाकुर ने, और सखियाँ आपस में शिकायत कर रही हैं, क्यों, क्योंकि बड़ी बड़ी जो सासू होती हैं ना, उन पर जा नई नवेली बहुओं के ऊपर बड़ी लगाम होती है ना, यदि बाहर भी कहीं जाना पड़ जाएगा तो सीआईडी ननद के रूप में साथ रहेगी वो। हाँ महाराज, चप्पे चप्पे की निगरानी रखेंगी वो, ठीक है ना। अब बेचारी अकेली रह नहीं पाती, और कन्हैया के बगैर अब दिल लग नहीं रहा, और घर में बैठी बैठी रो रही हैं, और ये कह रही है, एक दिन तू मेरी गली आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन तू खा जा, हो मेरा भी माखन तू खा जाना, हो कहना आ जाना, काना आ जाना, रे माखन खा जाना, माखन खा जाना, एक दिन तू मेरी गली आ जाना, आ जाना, ओहो आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन तू खा जाना, मेरा भी माखन तू खा जाना, रे काना आ जाना, गाना आ जाना, रे माखन खा जाना, माखन खा जाना। गज की पुकार हो या द्रौपदी की टे, गज की पुकार हो या द्रौपदी की टे, आते हो दौड़ नहीं करते हो दे, आते हो दौड़ नहीं करते हो दे, मेरी भी ओहो ओहो, बिगड़ी बना जाना, बना जाना, मेरा भी माखन तू खा जाना, ओ मेरा भी माखन तू खा जाना।
हुकाना आ जाना, हुकाना आ जाना, ये माखन खा जाना, माखन खा जाना, एक दिन तो मेरी गली आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन तू खा जाना, मेरा भी माखन तू खा जाना। मान वृंदावन से मेरा घर बड़ी दूर, मान वृंदावन से मेरा घर बड़ी दूर, किंतु मुरली वाले तुम आना जरूर, किंतु मुरली वाले तुम्हें आना जरूर। मान वृंदावन से मेरा घर बड़ी दूर, मान वृंदावन से मेरा घर बड़ी दूर, किंतु मुरली वाले तुम आना जरूर, किंतु मुरली वाले तुम्हें आना जरूर। प्यारी सी ओहो ओहो, प्यारी सी आहा आहा, प्यारी सी बंसी बजा जाना, बजा जाना, मेरा भी माखन तो खा जाना, ओ मेरा भी माखन तो खा जाना। एक दिन तो मेरी गली जाना, आ जाना, मेरा भी माखन तो खा जाना, ओ मेरा भी माखन तो खा जाना। एक दिन तो ओहो ओहो, एक दिन तो ओहो ओहो, एक दिन तो ओहो ओहो, सारी सखियां पुकार रही हैं ठाकुर आ जाओ ना। इसलिए मेरे ठाकुर ने उनके मन में ही एक कामना भर दी, तुम ऐसा कर लो कि तुम्हारी सासू माँ तो चली जाती है सुबह सुबह भोले बाबा पर जल चढ़ाने, और पीछे से तुम खड़ी रहती हो, इसलिए अपने माट मटका फोड़ डालो, सासू जी पूछे कि किसने तोड़े तो मेरा नाम ले देना, ठीक है ना। इसलिए सारी आ जाओगी, मैं एक एक घर में कैसे जाऊँगा, तुम इकट्ठी होकर सारी एक जगह आ जाओ, हम मिल लेंगे आपसे। इसलिए ऐसा ही किया, सभी ने अपने माट मटका तोड़ डाले, और महाराज सासू माँ आई और वो चिल्लाई, अरे बहू कहाँ? अब बेचारे को पसीना आ गया, वो आ गई। इसे धीरे से कहते, माँ जी मैं तो यहाँ हूँ। क्या कर रहे हो वहाँ? रसोई में काम कर रही थी। ये बर्तन किसने तोड़े? वो है ना, वो कौन? वो, अरे वो कौन? वो नंद का छोरा, वो आया था यहाँ, तो पत्थर लेकर के एक एक माट मटका को तोड़ के चला गया, और धमकी देकर के गया है क्या कि नंद का छोरा हूँ, जिसे जो बने कर लेना, तेरे को क्या और क्या, आपको देख गया है, मैं ही थी यहाँ, कि जाओ उसकी अम्मा को बोल किया, कल न जाने क्या करेगा वो। अब सारी नई नवेली, क्योंकि सबने किया था, एक ने थोड़ी किया था, सारी नई नवेली बहू निकल के आई घरों से, और गांव के चौराहे पे सारी इकट्ठी होगी, और अपना घूंघटा उठा कर कहती, चलो बन गई बात, जो होगा देखा जाएगा बाद में, चलो चलो। और माँ अपने कन्हैया को सुला रही थी पलना में, सो जा लल्ला सो जा, सो जा राजा सो जा, बड़े प्यार से गा रही माँ, थपकी दे कर गाय, सो जा तो हिसुलाए ममता बावरी, ममता बावरी, हो ममता बावरी, ममता बावरी, सो जा लल्ला सो जा, सो जा राजा सो जा, तोहे बड़ा हो के करने बड़े बड़े काम, तोहे बड़ा हो के करने हैं बड़े बड़े काम, इस जग से मिटाना है पापियों का नाम, इस जग से मिटाना है पापियों का नाम।
सो जा राजा सो जा, सो जा लल्ला सो जा, कल की आस लगाए तुझ पे वारी जाए, ममता बावरी ममता बावरी हो ममता बावरी ममता बावरी, सो जा राजा सो जा, सो जा लल्ला सो जा। बड़े प्यार से गा रही है माँ, लेकिन इतने में तो सखियों ने आ करके दरवाजा खटखटा दिया। अरे ओ यशोदा, काहे इसके चक्कर में पड़ी है, तुम दरवाजा खोलो। माँ ने देखा तो सखियों का झुंड सामने खड़ा है, दरवाजा खोला। कहा है सखियों कि पहले अपने नटखट को बुलाओ। कहाँ हो कला कल उठा, क्यों क्या कर क्या है? अरे क्या कर क्या है उसके सामने ही बताएंगे। हमारी मटकी तोड़ता है, हमारे बछड़ों को खोल देता है, है ना, हमारे बच्चों को सोने नहीं देता, हमारा मक्खन खा जाता है। कहने लगे सखियो उल्टा सीधा मत बोलना मेरे को, नहीं क्यों, मेरी बहुत मन्नतों से मैंने इसको पाया है, इसलिए यदि आपका थोड़ा मक्खन ले गया हो ना, मेरे से ज़्यादा ले जाओ। कह रहे मक्खन की तो देखी जाए, जो ही हमारा दूध निकालने का समय होता पहले जाता है हमारे बछड़े को खोल देता है, दूध सारा पी जाता बछड़ा, हम खाली रह जाते। लगी उल्टी सीधी कहने, माने का सखी गारी मत दीजो, मो गरीब नी को जायो री, गारी मत दीजो मो गरीब नी को जायो री, गारी मत दीजो मो गरीब नी को जायो री, गारी मत दियो। माँ हाथ जोड़ के खड़ी है और फिर कन्हैया के ऊपर डांट भी लगा, कन्हैया बेटा इधर आओ सखियां बुला रही हैं। और कन्हैया भी उठ करके आए, अपनी आंखों को मलते हुए माँ का पल्लू पकड़ के पीछे खड़े, कहा है मैया? कहा के बच्चे इतने बड़े बड़े कार्य करने लग गया तू, अब से पहले तेरे को कौन दिन आए? इनकी मटकी तोड़ता है, इनके बछड़े खोलता है, हा? इनको जाकर के सताता है, इनके बच्चों को सोने नहीं देता है। कन्हैया कहता, मैया मुझे गब्बों की सौगंध है, मुझे आपकी सौगंध है, मुझे नंद बाबा की सौगंध, मैं तो इनको जानता भी नहीं है कौन है। सच्ची मैया नहीं जानता हूँ। कहते फिर ये वैसे ही घर पे आ गई। हाँ मैया बताऊँ क्या करने आई है? क्या? तेरे बेटे को देखने आई है, देखा ना मोटी मोटी आंखें निकाल के कैसे देख रही है मेरे को। और मैया यदि ये देखती रहेंगे ना तो तेरे बेटे को नजर लग जाएगी, और यदि तेरे बेटे को नजर लग जाएगी तो तेरा बेटा मर जाएगा, तू बगैर बेटी की हो जाएगी। ऐसी मीठी मीठी बात की महाराज, माँ ने तो दौड़ करके उठा लिया अपनी गोद में। कहले कि कन्हैया बेटा इनकी नज़र तो लगेगी बाद में, कहीं मेरी ही नज़र ना तेरे को लग जाए, तो इतनी मीठी मीठी बातें कहाँ से कर लेता है। सारी सखियों ने सारी वार्ता बता दी, मैया हम तो देखने हैं। फिर मेरे गोविंद ने माटी खाई है, और माटी खाने के बहाने त्रिभुवन का दर्शन कराया है माँ को। क्यों? क्योंकि माँ का जब दूध पीने लगता था तो कन्हैया रुकता नहीं था। माँ बार बार कहती थी, बेटा तेरा पेट है के कुआ है, कहाँ जाता है ये इतना दूध? तो कन्हैया दिखाना चाहते थे माँ को, मैया मैं अकेला तुम्हारा दुग्ध नहीं पीता हूँ, पूरी दुनिया तुम्हारा दुग्ध पी रही है, माँ त्रिभुवन तुम्हारा दूध पी रहा है, क्योंकि मेरे अंदर वही समाया, इसलिए केवल मेरी अकेले की माँ नहीं है तू, पूरे त्रिभुवन की माँ है तू। उसके बाद उखल लीला की है मेरे ठाकुर ने, क्योंकि आकर के शिकायत की है, हाँ माँ ने उखल से बांधने की कोशिश की है, लेकिन दुनिया वालों क्या भगवान को आज तक कोई बांध पाया? भगवान को तो बांध सकते तो एक ही चीज़ है, उसका नाम है भक्ति। इसलिए सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्य निवशति हृदय तेषाम श्री हरेर भक्ति एका। क्यों? क्योंकि हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। परमात्मा भी उस भक्ति के सूत्र में बंध कर उसके हृदय में ऐसे ही बंध जाते हैं जैसे पशु को तुम बांध लेते हो अपने दरवाजे पर। सच इसलिए तुम तो उसकी भक्ति में तल्लीन हो जाओ,
उखल लीला के माध्यम से कुबेर के बेटे नलकुबर मणिग्रीव का उद्धार हुआ है, जो वृक्ष बने हुए खड़े थे और जो ही वृक्ष से निकल के आए उन्होंने भी एक ही निवेदन किया है, दोनों ने हाथ जोड़ के मेरे ठाकुर से, मेरे ठाकुर वाणी गुणानुकथने श्रवण कथायाम हस्तौ च कर्म सुमन तव पादयोर्न स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनुना। मेरे ठाकुर हमारी वाणी आपकी कथा का गुणगान करती रहे और मेरे कान आपकी कथा को सुनते रहे, हमारे हाथ हमेशा आपके भक्तों की सेवा करते रहें, हमारा मन हमेशा आपके चरणों में लगा रहे, हमारा सिर हमेशा ही आपके भक्तों में झुका रहे, हमारी दृष्टि यदि देखे तो केवल आपका ही दर्शन करे मेरे ठाकुर और दुनियादारी को ना देखे। अर्थात कह रहे हैं वो कि सिया राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। उसके बाद सुखिया मालन का प्रसंग है, जो सारी जिंदगी मेरे ठाकुर के नाम पर लगी रही और आज ठाकुर को ही अपने कर्म फल स्वीकार दे दिए मेरे भाई, इसलिए मेरे ठाकुर ने इतना दिया कि उसकी झोली छोटी पड़ गई मेरे भाई। उसके बाद मेरे ठाकुर का गोकुल से वृंदावन जाना है और वृंदावन आने के बाद मेरे ठाकुर ने बछड़े चलाने शुरू किए हैं और वहां आकर के बकासुर का उद्धार किया, उसके बाद अघासुर का उद्धार किया मेरे ठाकुर ने। अघासुर की लीला के माध्यम से ब्रह्मा के मोह को भी दूर किया है, क्योंकि एक बार मेरे ठाकुर के मन में आई, जैसे आप लोग मनाने चले जाते हो कभी कभार पिकनिक छुट्टी वाले दिन, है ना, घर से ले जाते हो परांठे वराठे बना करके पार्क में बैठ करके खा करके वापस आ, होगी पिकनिक। मेरे ठाकुर ने भी कहा ग्वाल बालों को, अच्छा भैया ऐसा करना कोई कल घर भोजन नहीं करेगा तो शाम को जाते ही बनवाएगा अपने अपने घर से, कोई दूसरे के घर से नहीं लेके आएगा, जो जिसके घर में बना हो वही लेकर आएगा, लेकिन सभी यहीं बैठ के खाएंगे जंगल में। सभी ने अपने अपने घरों में जाकर के कह दिया और सुबह सुबह कैयाओं का दूध निकालने के बाद बछड़ों को लेकर के चल पड़े। लेकिन अघासुर रास्ते में लेट गया अपने मुँह को फैलाकर, ठाकुर किसी कार्य से पीछे रह गए लेकिन सारे ग्वाल बाल उसके अंदर प्रवेश कर गए। यद्यपि ठाकुर ने आवाज़ भी लगाई लेकिन सब ताली बजाते हुए अंदर घुस गए बतियाते हुए। यद्यपि एक दो गोप ने रोकने की कोशिश भी की, ग्वाल बाल ने रोकने भी कोशिश की, लेकिन कहा रे हमारा कन्हैया हमारे साथ डरने की जरूरत क्या है, सारे ताली बजा के अंदर, लेकिन सारे अंदर जाते मृतप्राय हो गए। अब मेरा कन्हैया बाहर खड़ा है और मुँह खुला है अघासुर का, क्यों, क्योंकि मेरी बहन का जो दुश्मन है, मेरी बहन को जो मारने वाला भी तो बाहर खड़ा है। इसलिए मेरे ठाकुर ने थोड़ी देर तो खड़ा होकर के सोचा और फिर दौड़ करके गले में आकर के खड़े हो गया अघासुर के और इतना शरीर को फुलाया मेरे भाई, क्या उसके मुंह का और नाक का हवा बंद कर दिया, श्वास बंद कर दिया, और जो ही श्वास बंद हुआ उसकी खोपड़ी फट गई और अंदर से ज्योति निकली और मेरे ठाकुर में ही समा गई। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। और वहाँ से जितने ग्वाल बाल मर चुके थे अपनी अमृत वही बंसी के माध्यम से ऐसा रोक दिया मेरे भाई कि सारे उठ खड़े हुए और उठ करके मेरे गोविंद से लिपट गए। क्यों, उनको तो लगा जैसे सो के उठे, उनको थोड़ी पता था कि मर गए थे। सारे लिपट गए और उठते ही कहा कन्हैया भैया बहुत जोर की भूख लगी है, कन्हैया ने कहा कि बछड़ों को चरना छोड़ दो, चलो आज प्रीति भोज पे बैठ जाते हैं पहले। तो सारे ग्वाल बाल गोल दायरा बना करके बैठ गए, मेरे गोविंद को बीच में बैठाया और बीच में बैठा करके सभी अपना अपना भोग खिला रहे। उन्हीं में से था मेरे ठाकुर का एक सखा मनसुखा,
उसके घर में कुछ खाने पीने को था नहीं, अपने घर से लेके आया था छाछ, वो भी 3-4 दिन की पड़ी हुई, इतनी खट्टी के पूछो मत। लेकिन देखा सब पकवानों को तो मन सुखा के मन में, यदि मेरे गोविंद को मैंने दे दिया तो इसका मुंह खराब हो जाएगा, इसलिए चुपचाप वहाँ से उठे और एक पेड़ के पीछे छुप करके रो रहे हैं और पी रहे हैं। मेरे गोविंद, मैं तो इतना भी काबिल नहीं हूँ कि तुझे भोग बना करके खिला सकूँ, लेकिन वारे मेरे गोविंद, चीटी के पग घुंघरू बाजे तो भी साहेब सुनता है। एकदम नजर गई मेरे ठाकुर की चारों ओर, देखा और कहा, रे मनसुखा कहाँ है? एक ग्वाल ने कहा, मैं बताऊं? हाँ, वो देखो वो दूर पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। मेरे ठाकुर यूं के यूं उठे, हाथ में दाल चावल कढ़ी वगैरह लगी है, यूं के दोनों हाथों से उठे और जाकर के मनसुखा के कहा, रे बेईमान, सभी अपना अपना खिला रहे हैं, तू नहीं खिला रहा मुझे, लेकिन सारी छाछ पी चुके थे, बस इतनी छाछ बची थी जितनी मुंह में, काली कमंडल दिखा दिया है। और मन ही मन करें, गोविंद ये छाछ थी और ये भी बहुत खट्टी थी, कैसे पिलाऊं तुझे, लेकिन वाह रे मेरे गोविंद तू कितना दयालु है। जाते ही उसकी गर्दन को ही पकड़ा, कभी ये भी अंदर ले जाए, और कहा, क्यों नहीं दे रहा, पिला मुझे, वो कमंडल दिखा रहा कि है ही नहीं मेरे पास। लेकिन कहा, नहीं नहीं, जो तेरे मुंह में वही मेरे मुंह में डाल। और मनसु का गर्दन हिला रहा, नहीं रे गोविंद, तेरा मुंह खराब हो जाएगा। लेकिन कह रहा, नहीं नहीं, तेरे मुंह की छाछ मेरे मुंह में डाल। और जब नहीं माना तो उसके मुंह से मुंह लगाया मेरे ठाकुर ने, और जोरदार उसकी गर्दन को दबाया तो उसके मुंह की छाछ निकल के मेरे गोविंद के मुंह में आ गई, और मेरा गोविंद नाच उठा आंखों में आंसू भर के, ये कहकर, अरे मनसुखा, इतना आनंद तो भैया माँ यशोदा के दूध में भी नहीं था, और तू मुझे छुपा रहा था, इतना आनंद तो सबरी के भेरों में भी नहीं था भैया। हाय रे, मेरे ठाकुर के उस प्यार को देख करके मनसुखा बहुत रोया गले से लग करके, सच मेरे भाई बहन, मेरा ठाकुर बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। उसके यहां कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, बस तुम भाव लेकर जाओ तो सही, ये तो तुम्हारी दृष्टि में है छोटा बड़ा, लेकिन मेरा ठाकुर का तो हृदय बहुत विशाल है, इसलिए उस लीला को देख करके आपके हमारे मन में उल्टा सीधा आ जाए कोई आश्चर्य की बात नहीं। अरे ब्रह्मा की बुद्धि चकरा गई, ये ग्वाल बालों की झूठी छाछ पीने वाला, पता नहीं 6-6 महीने में स्नान करते हैं कि नहीं करते, पता नहीं टॉयलेट जाकर के हाथ धोते हैं कि नहीं धोते हैं, इनकी झूठी छाछ पीने वाला ये ब्रह्म नहीं हो सकता। देखिए, ये वही ब्रह्मा है जो प्रार्थना करके लेके आए, और आज उसी को संशय हो गया। इसलिए दुनिया वालों, तुम्हें ब्रह्म हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, ब्रह्मा को आश्रय। इसलिए ब्रह्मा ने ग्वाल बाल और बछड़ों को चुरा लिया परीक्षा लेने के लिए, लेकिन जब वो ब्रह्मा को ही बना सकता है, क्या ग्वाल बाल बछड़े नहीं बना सकता? इसलिए मेरे ठाकुर ने ग्वाल बाल और बछड़े सब कुछ अपने आप ही बन गए, और 1-2 दिन नहीं, 1 साल तक बने रहे। ब्रह्मा ने आकर के देखा है तो ग्वाल बाल भी हैं, बछड़े भी हैं। इसलिए ब्रह्मा ने आकर के माफी मांगी है, 1 नहीं 2 नहीं 40 श्लोकों में, इतनी बड़ी माफी मांगी 40 श्लोकों, लेकिन मेरे ठाकुर ने फिर भी माफ नहीं किया। ध्यान रखना मेरे भाई, यदि कोई भगत का अपराध करता है, बस सब कुछ सहन कर सकते हैं मेरे ठाकुर, लेकिन अपने भक्त की दूरी सहन कर सकते हैं, कोई उसको भक्त को उससे दूर करना चाहे वो सहन नहीं कर सकता मेरे ठाकुर। इसलिए ब्रह्मा भाग गया, यद्यपि ठाकुर की परिक्रमा करनी चाहिए 4, लेकिन ब्रह्मा 3 करके ही भाग गए। कभी कह दे कि तूने ज्यादा बकवास कर दी, ले इस्तीफा दे जाओ, त्याग पत्र दे जाओ, क्योंकि जब चाहे जिसको ब्रह्मा बना दे, क्योंकि कोटि कोटि प्रति
रोम रोम प्रतिराजेहु कोटि कोटि ब्रह्मांड। उसके बाद कालिय नाग की लीला है, इसलिए इतना विषय और विकारों में मत फंसना मेरे भाई बहन। मेरे ठाकुर को बाध्य हो जाए तुम्हें उस स्वरूप को सुधारने के लिए। तुम्हारे घर में आकर के मेरा ठाकुर उत्पात ना मचाए, इससे पहले सुधर जाओ, क्योंकि कालिया नाग दूषित करने लगा था सब कुछ। और जब दूषित करने लगा, मेरे ठाकुर ने गेंद का बहाना बना करके कालिया नाग को ना था और उसको रमणे दिक में कहा कि जाकर के रहो। दावा नल को पिया मेरे ठाकुर ने, मुंजारण में जो अग्नि लग चुकी थी उसको पिया मेरे ठाकुर ने, उसके बाद प्रलंबासुर का उद्धार किया, और उसके बाद वेणु गीत है मेरे भाई। गोपियां हैं घरों में और मेरे ठाकुर गए हैं गौवें चराने, लेकिन उस बंसी को बजते हुए देखकर गोपियां आपस में बतिया रही हैं, वारी बंसी ऐसे कौन से पुण्य किए थे तूने, काज मेरे ठाकुर को तूने बस में कर लिया। रे मुरलिया हरि की, है ना, सच रे ऐसे गोपियां गा रही हैं। मुरलिया बाजे रे मुना की तीज, मुरलिया बाजे रे यमुना की तीज, जय जय मुरलिया बाजे रे यमुना की तीज। बरहा पीडम नटवर बभु कर्णयो कर्णिकारं, विभ्रदवाश कनक कविशं वैजयन्तीं जमालं, रन्ध्राण वेणुरधरसुदया पूरयन् गोप वृन्दै। वृन्दारण्यं स्ववदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः, प्राविशद गीतकीर्तिः। यमुना के ती जय जय, मुरलिया बाजे रे यमुना के ती। जरा हाथ उठा करके गाओ तो सही, क्यों तीन तीन कमाल हो रखे यहाँ। कारो कन्हैया कारी कमरिया, कारो कन्हैया कारी हर लीनो मेरो मन
सूत धरत नाही धीरे मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर जय जय मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर यमुना के तीर यमुना के तीर रे यमुना के तीर जय जय मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर जय जय मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर हरि बोल।